सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक ठूसी भी सच चक्र जिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूर्तन भव प्रकाश यम तोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजै त्रिभावन महीप सुर नारय सुर नेत नेत बांत्रण कहित तव सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण तुसुमत कहा बुद्ध प्रभु तुष हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरताया वई दुख दर्द पाव निकट ना तिन नर के रह होयो या की एक बार चौपाई को कह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ श्री राग महला पहला मछली जाल ना जानिया सार खारा असगाह अत सियाणी सोहणी क्यों की तो वेसा हो मछली जाल ना जानिया सार खारा असगाह अत सियाणी सोहणी क्योंकि तो वेसा हो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी साजी नवाजी परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जी धन गुरु नानक देव महाराज जी उन्हां दे दसे स्वरूप दसा ही पातशाही दे आत्म जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता गुरु साहब जी की पावन पित्र हजूरी हुई रहरा साहब जी के पाठ तो उपरंत गुरु सवारियों तो गुरु की बाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण किए लाह प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी की कथा जो आप जी रोज सरवण करते हो तो उसका समा है। जिमें महाराज धन गुरु नानक देव महाराज जी श्री राग कृपा करते हैं आओ मानच बिरतियां की एकाग्रता बनाईए श्रद्धा भावना गुरु साहब जी का पावन पित्र उपदेश सरवण करके लाह प्राप्त करिए क्योंकि इस भागा समा साध संगत जी संगत करन दा महाराज सचे पातशाह जी ने कृपा करके आपां बख्शिया है। हजूर दे वचन ने संगत करके साध संगत जी बंदे दे कर्म दा सुभाव बदल जांदा हालत सुख पलत सुख नित सुख सिमरन नाम गोबिंद का सदा लीजै मिटह कमाणे पाप चराणे साध संगत मिल मुआ जीजै। कहिंदे भाई जिहड़ा मन करके मरिया होवे जिस दी आत्मा साध संगत जी बिल्कुल मरझा गई होवे जदों सत संगत विच आवेगा तो मन करके वह भी जी उठेगा मुरदे नूं भी आत्मिक तौर पर संगत जिहड़ी सत संगत जी जिउंदा करन दा बल रखदी है क्योंकि गुरु साहब जी की संगत गुरमुखां की संगत है। हजूर दे वचन ने उत्तम संगत उत्तम होवे गुरमुखां की संगत कीतिआं सुभाग गुरमुखां वाला बन जाता चंगिआं की संगत कीतिआं सत संगत जी बंदा चंगा बन जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के इन्हां बचनां नूं दृढ़ करवाया भाई गुरदास जी ने उह कहिंदे काहू की पावन गावन जात बरखा कै काहू की पावन बादर बिलात है। संगत का किन्ना क फर्क पैंदा कहिंदे गुरमुख हवा उही हुंदी आ किसे पास्यों वगे ते मीह लै आवेगी किसे पासे दी हवा चलण लग पए ते चंगा भला बदलां दा जिहड़ा तणिया होया चंदोवा उहनूं वी उड़ा के लै जांदी है। हुण विचार आवेगी जी हवा ते हवा ही आ भावें पूर्व वलों चले पछम वलों चले दक्षण तो चले जां उत्तर तो चले हवा दा नां ते हवा ही कहांगे
पर फिर भी साध संगत जी भाई गुरदास जी ने आख्या गुरमुखो दिशा की संगत होण करके हवा की तसीर बदल जाती है। एक पासे की हवा आवे तो बदल लै आएगी मीह पवेगा निशानियां बन जाएगियां, एक पासे की हवा आवे तो आए हुए बदलों भी उड़ा के लै जाएगी। फिर कहिंदे काहू के जल पान की है रहत अरोग देह, काहू से जल पान की है बिरथा बिललात है। कितने उहदा पानी पीता जाए तो साध संगत जी तंदुरुस्ती बना देगा, रोग नूं दूर कर दिंदा। कितने उहदा पानी पीता जाए तो साध संगत रोगी कर दिंदा, शरीर नूं पानी हुंदा पारा, इन्ना रोगी कर दिंदा भी डॉक्टर भी फिर जवाब दे देणगे भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक गल है कि जे तू अपनी जगह बदल लें किसी हिल स्टेशन ते चलिया जावे, पाउण पानी दा फर्क पवे, तेरे पीण वाले पानी दी तसीर बदले किते जाके फिर हो सकदा कोई फर्क पवे, नहीं तो पानी आ। इस तरह कहिंदे आ काहू की अगन पाक साख सिद्ध करे, काहू की अगन भवन जरात है। अग उ साध संगत जिस नाल आपां प्रशादा तैयार कर लैने, देग तैयार करी दी, लंगर तैयार करी दी, पर उसे अग की चंगियाड़ी जो तूड़ी वाले कोठे च पा दी जाए तो कोठा घर बल के सारे पिंड नूं भी साध संगत जी साड़ सकती। वह काहू की संगत की है जीवन मुक्त हो, तो काहू की संगत की है जामपुर जात है। कहिंदे संगत संगत का इन्ना फर्क है, आखांगे तो संगत ही, पर कुछ लोगों के कोल बैठांगे तो आत्मक जीवन उच्चा होगा, मन जिहड़ा साध संगत जी आत्मक मंडलों च उड़ारियां मारेगा, सुरत उची हो के नाम का रास्ते आनंद चखण लग पवेगी। कुछ लोगों की संगत करांगे कहिंदे ने सीधी जावां नूं, जावां दे घर नूं, जामपुरी नूं लैके जावेगी। है तो मनुखां की संगत है, पर जे उत्तमां दी कीती ते मन भी उत्तम वाले पासे जावेगा, उत्तम संगत ही उत्तम होवै, चंगियां दी कीती ते चंगा, नहीं तो फिर साध संगत जी नवाण वाले पासे नूं ते लैके जावेगी। कहिंदे संगत का इन्ना फर्क है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की संगत करन दा सुभागा समां साध संगत जी प्राप्त होया, जिस करके आओ जिन्ना कु समा महाराज ने कृपा की बल बख्शिया, सतगुर सच्चे पातशाह जी के गुण उन्होंने वड्याईया सरवण करिए लाहा प्राप्त करिए जी। श्री राग महला पहला, मछली जाल ना जानिया सार खारा असगा हो। राग श्री राग है साध संगत जी, श्री राग तो गुरबाणी प्रारंभ की महाराज सच्चे पातशाह जी ने, श्री राग तो जिहड़ियां पहलां दियां बाणियां जपजी साहब ते साध संगत जी रहरा साहब जी वाले नौ शब्द, वह रागां तो मुक्त ने, उन्हां दी गिणती रागां विच नहीं। अग्गों फिर श्री राग तो साध संगत जी रागां दी तरतीब शुरू हुंदी है, ते पहला जिहड़ा राग है ये श्री राग महाराज सच्चे पातशाह जी ने मन्निया। उवें भी सारे रागां विचों जिहड़ी प्रधानता जिहड़ा श्रोमणी राग मन्निया साध संगत जी, उह श्री राग नूं मानदे भाई गुरदास जी ने वचन कीते हन, रागन मैं श्री राग पारस पखान है। कहिंदे सारे रागों में श्री राग जिहड़ा ते श्रोमणी ते उत्तम है। ऐसे राग में श्री राग में धन गुरु नानक देव महाराज जी ने कृपा की, मछली जाल न जाणिया सर खारा असगाह, यह शब्द की प्रारंभता की पंक्ति। पर आप रहाव वाली पंक्ति साध संगत जी थोड़ी जी पहला वेख लीए तो आपां नूं सिधांत का पता लग जाएगा। हजूर के बचन ने भाई रे उस रजाणो काल जिव मछी त्यो मानसा पावे अचिंता जाल, यह रहाव दियां पंक्तियां सिधांत। कहिंदे भरावा काल नूं अपने सिर ते इदां जाण भी जिवें मछी नूं पता नहीं हुंदा पाणी च आनंद मारदी आ, लंबियां लंबियां उडारियां लाउंदी, पर पता ही नहीं किहड़े वेले जाल उत्ते आउण पैणा, अचानक जाल पै गया ते उस वेले उहदी मौत, पता नहीं सी भई कित्थे तुरी फिरदी नूं जाल आण के घेर लवेगा। बस कहिंदे उह रीति समझ मौत वाली काल वाली, भाई रे इहो सिर जाणो काल। कहिंदे भरावा इउं काल नूं अपने सिर ते समझ जिवें मछी नूं कोई पता नहीं हुंदा, कोई मछी नूं दो चार दिन पहलां सुनेहा नहीं मिलदा भी इन्ने कु दिनां तक जाल दे नेड़े तों चली जावेंगी ते फस जावेंगी। कहिंदे आनंद माण दी तारियां लाउंदी ते अचानक ही साध संगत दी जाल आण पैंदा ते जिवें उहनूं घेर लैंदा ते मौत तक पहुंचाउंदा। कहिंदे इउं काल तेरे सिर ते हर वेले ही मंडराउंदा फिरदा, पता ही नहीं किहड़े वेले आखरी सवास तक तेरी मंजिल पहुंची ते उहने तैनूं नप लैणा। काल नूं सदा अपने सिर ते अनुभव कर, काल की पकड़ तो बाहर तू किसे वेले भी नहीं। उहदे लई साध संगत जी फिर एक प्रमाण दिता, कहण लगे जिवें मछी नूं जाल घेर लैंदा इवें गुरमुखा तैनूं काल घेर लवेगा। इह रहाव दीआं पंक्तियां ने। काल जिहड़ा साध संगत जी इहने कदी किसे नूं माफ नहीं कीता, हजूर दे बचन ने जो उपजिओ सो बिनस है परो आज के काल, जिहड़ा पैदा होया उहने नाश जरूर होणा, उहनूं काल ने मार ही देणा, अज कल जां परसों वारी सारिया की आ जाएगी। जैसे किसान बोवै किसानी काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्म है सो जानो मूआ गोबिंद भगत
अस्थिर हथिया। जिवें किसान महाराज कहिंदे किसानी करदा खेती बीजदा उहदी मर्जी कच्ची वढ लए पक्की वढ लए डरी वढ लए उहदी अपनी मर्जी आ उहने बीजी आ। इसे तरह यह जीव संसार से परमात्मा ने साध संगत जी भेजे उन्होंने मर्जी है किसी को बचपन में लै जाए किसी को जवानी देखने दे किसी को ना देखने दे किसी को बजुर्ग अवस्था च उहदी अपनी मर्जी जोर किसी का नहीं। नह बालक नह जोग ने नह बिरधी कछ बंध महाराज के बचन कहते कोई पता भाई बालक अवस्था च जाना जवानी चले जाना कि बजुर्ग अवस्था च जाना किसी को नहीं पता। भावें मनी आप बैठे भी जावे बजुर्ग अवस्था च पर पता कोई नहीं। एक आस है झूठी नह बालक नह जोबन जोबन का कोई पता नहीं बालक अवस्था का पता नहीं कितने जाना। नह बिरधी बिरध वेले भी कोई आप नहीं कह सकते वह बेरा नह बूझिया जब आए पर जम फंद महाराज के बचन कहते उस वेले का कोई पता ही नहीं गुरमुखो जो जमा की फाई आण के पवेगी पता नहीं बचपन च आ पै जानी है पता नहीं जवानी च आ पवे पता नहीं बजुर्ग अवस्था च आ पवे पैनी है जरूर आ। यह अटल सच्चाई है भी पैवे पवेगी जरूर। जो उपजै सो काल संघारिया हम हर राखे गुरु शब्द विचारिया महाराज के बचन कहते जो पैदा होया गुरमुखों नू काल ने बिल्कुल संघार देना मार देना। पर कुछ लोग काल तो बच भी जाते हैं जिन्हें तक काल की पहुंच नहीं वह किड़े है। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया जिन्हें हरी रखे जेडे शब्द ही विचार करके शब्द का रूप होकर शब्द में भेद हो जाए साध संगत जी उन्होंने काल नहीं मार सकता। यह ना समझना शरीर करके नहीं मार सकता शरीर करके तो मौत हरेक नूं आवेगी। पर असल में साध संगत जी मौत जिन्हां ने शरीर नूं अपना हिस्सा मान लिया अपना असल रूप मान लिया उन्हां दी ते मौत की लड़ी कदे मुक सकदी नहीं। उन्हां नूं वार वार जन्म ते वार वार मौत। पर जिन्हें शरीर तो उपर उठ के साध संगत जी अपनी आत्मा नाल पछाण बना रही उन्हूं मुड़ के मौत नहीं वह मौत की काल की पकड़ तो परे है। क्योंकि शरीर मिलेगा तो मौत भी आएगी निज स्वरूप की पछाण कर लैन तो बाद शरीर का सिलसिला खत्म इस करके मौत भी नहीं आएगी। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया गुरु ने कृपा की तो कहते शब्द की विचार करके जो कोई शब्द में भेद होया वह काल तो बचिया नहीं तो हरेक नूं साध संगत जी काल मारेगा। भाई रे यो सिर जाणो काल भरावा सिर ते इदां काल नूं समझ ज्यो मछी त्यो मानसा कहिंदे मानस दा ते मछी दा इक्को जिहा हिसाब है। प्रमाण दिता महाराज ने जिवें मछी नूं नहीं ना पता किहड़े वेले जाल आण पवेगा ते मौत। इसे तरह किसी बंदे नूं नहीं पता साध संगत जी किहड़े वेले जमा दा डंडा कित्थे कदों सिर च आण वजेगा कोई पता ही नहीं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी सिधांत रख के इस शब्द नूं उचारण किया भई काल नूं सदा अपने सिर ते हाजिर नाजिर तक काल दिसेगा ते फिर तैनूं रब भी दिसेगा। जे मौत भुल गई तो परमात्मा कदी नहीं चेते आन लगा। परमात्मा का परमात्मा की याद का मौत का साध संगत जी बहुत नेड़े का संबंध है। बहुत बार आप साध संगत जी वेख्या संसारी पक्ष तो भी जो बंदे बिल्कुल अचानक जाद्या जाद्या एकदम सिर ते मौत नजरी पवे बंदा तुरै जाता अचानक उन्होंने एवं लगे भी हूँ एक्सीडेंट ही होगा जो कोई चीज़ मेरे उत्ते ही आन चढ़न लगी है कोई गड्डी मैं थले ही आ चलिया एकदम उदो रब चेते आता। फिर असल में तो आई सिर ते मौत है पर परमात्मा चेते करवा देगी एकदम जो होर कोई चारा नहीं चलता उस वे परमात्मा ही चेते आएगा। इस करके रब की याद तो मौत का बहुत नेड़े का संबंध है। मौत चेते है काल चेते है तो रब जरूर चेते रहेगा। सो हजूर ने जिवें कृपा की अवसर का भावना नाल शुरू तो महाराज सच्चे पातशाह जी के शब्द की विचार सरवण करिए लाह प्राप्त करिए जी। मछली जाल ना जाने सर खारा असगा हो कहिंदे मछी नूं किहड़ा पता सी जाल दा वो खारे समुद्र विच डूंघे समुद्र विच तारियां लाउंदी फिरदी सी पर उहनूं इह नहीं सी पता भी जाल कित्थे आण के पै जावेगा मैनूं। इसे तरह जिहड़ा संसार साध संगत जी समुद्र दी न्याई है जिहड़े दुख ने इहदे विच उह खारा पाने संसार दा। मछली जाल ना जाणिया सर खारा असगा हो कहिंदे ने समुद्र खारा हुंदा हुण संसार नूं समुद्र नाल तुलना दित्ती ते समुद्र विच खारा संसार विच खारापन की है जिहड़े दुख ने कहिंदे ने संसार विच तू आनंद माणदा फिरदा पर आनंद माणदे नूं भी दुख घेरी जांदे आ। जिवें मछी नूं नहीं सी पता डूंघे समुद्र च तारियां लाउंदी नूं इसे तरह तैनू नहीं पता कितने जाके सुवासा का अंत हो जाएगा। भीत उपरे केतक ताइए अंत और को आह कहिंदे ने कंध उत्ते किन्नी देर भजेगा जीवन कंध उत्ते भजण दी न्याई है
अंत नूं इहदा अखीरला सिरा होवेगा इक दिन। अत सियाणी सोहणी क्योंकि तो वेसाह, कहिंदे ने क्यों बेपरवाही कीती काल वल्लों। बड़े अजीब कई सियाने ने साध संगत जी, कई अपनी सुंदरता ते अपने शरीर दे बल ते माण करी जांदे, पर कहिंदे ने ये फिर की तैनू काल तों बचा लवेगी तेरी सियाणप। जिन्निया मर्जी सियाणप बंदा वरते साध संगत जी, ना बढ़ेपे तों बच सकदा ना काल तों। ये दो अटल निजम ने परमात्मा दे, जिथे मर्जी चलिया जाए, बल्कि धरती छड़ के साध संगत जी किसी होर धरती ते मंगल ग्रह ते भावें क्यों ना चढ़ जाए, उत्थे भी मौत ते बढ़ेपा इहदे पिछे ही जाएगा। ये परमात्मा का नियम है। कहिंदे तेरियां मन दियां चलाकियां ते सियाणपां तैनूं काल तों बचा ना सकणगियां। कीते कारण पाकड़ी काल ना टले सिराहो, आपणे कीते कर्मां करके कहिंदे तूं फस गया असल विच, काल ते सिर तों टलना ही नहीं सी। बड़े यतन करदा बंदा साध संगत जी काल नूं टालण दे, हुण तां चलो गुरमत दा प्रचार होण करके सिख भावें उह ना ही करदे होण, पर पहले समयां च साध संगत जी रावण ने पूरा यतन कीता मैं मरां ना, हरनाक्ष ने सारी बंदगी इसे करके कीती ते वारी इह लिया वी मैनूं मौत ना आवे, पर इह नहीं सी पता वी परमात्मा दा अटल नहीं जिवें इह नहीं टल सकदा। भावें वार लै भी लिया बंदगी दा फल, उन्हां ने कह दिता वी जे इह मंगदा चल ठीक है, पर मौत नहीं साध संगत जी टली। काल ना टले सिराह, सिर तों काल कदे वास्ते वी नहीं टल सकदा, जिन्नियां मर्जी सियाणपां कर। कीते कारण पाकड़े, फिर कहिंदे अपने कीते कर्मा करके फड़िया जावेगा। जे तेरे कर्म चंगे है, जे कर्म उत्तम ने, संगत उत्तम पुरशां दी है, फिर काल तो बच सकदा। शरीर करके तो काल नहीं टलेगा, पर सदा दी है जिहड़ी मौत घड़ी मुड़ी आउणी है, उहदे तो बच जावेगा। तो जे फसिया वह भी अपने कीते कर्मा करके। कीते कारण पाकड़ी, तेरे कीते कर्मा दे नाल तैनूं बंधन पैणे है, कीते कर्मा दा करके तू छुट सकेगा। हाँ, कीते कर्मा नाल गुरु की कृपा रलनी चाहिए छुटकारे वास्ते। बंधन अपने कीते कर्मा नाल ही पै जाणगे, छुटकारा अपने कर्मा दे नाल महाराज की कृपा रले तां। उदां नहीं, कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। विछड़न वास्ते कर्म सी, मिलण वास्ते कले कर्म नहीं। विछोड़ा पाउण लई कले कर्म ही सहाय ने, पर पंजवें पातशाह जी के बचनों कहिंदे ने मिलण वास्ते कले कर्म नहीं, मिलण वास्ते मिलण वाले कर्म करेगा, उन्हां नाल महाराज की कृपा रले तां। महाराज की कृपा होवे तां फिर वह कर्म करेगा जिहड़े परमात्मा दे नेड़े लैके जाणगे, तां मलाप है, नहीं तां अपने कीते कमां करके फस जावेगा तू। भाई रे इउं सिर जाणहो काल, कहिंदे भरावा इउं सिर ते काल नूं जाण तू, भई काल जिहड़ा तेरे सिर ते सदा ही है, दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आओ घटे तन शीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजै। किवें काल साध संगत जी इह लई जांदा सानूं थले नूं, शरीर किवें छिजदा जांदा, कहिंदे दिन दिन करके पहर पहर करके घड़ी घड़ी करके उम्र घटदी जांदी है, दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आप घटे तन शीजै, तन कमजोर हुंदा दिनों दिन, उम्र घटदी जांदी है। एक दिन जिहड़ा लंघ गया साध संगत जी उम्र चो घट गया, एक पहर जिहड़ा लंघ गया इह घट गया, एक घड़ी जिहड़ी लंघ गई, 24 मिंटां दी हुंदी घड़ी, जिहड़ी एक घड़ी लंघ गई इह उम्र अपनी घट गई। काल अहेरी फिरै बदक ज्यो, कहिंदे काल उन्ने नेड़े हुंदा जांदा, जिन्ने स्वास तेरे घटदे जांदे आ, शिकारी की तरह काल की निगाह तेरे उत्ते पक्की हुंदी जांदी है, काल तेरे सिर ते ही है। कहो कौन विध कीजा, कोई विधि कीती, कोई उहदे तों बचण दा यतन कीता कि नहीं, जे नहीं कीता तां कहिंदे अजे भी कुछ नहीं विगड़िया, अज हू कस विगड़ियो नहीं, पर कहिंदे अजे की विगड़ गया, नहीं कीता तां हुण कर सकदा तूं। भाख्यो तूं इह पुकार, महाराज दे बचन कहिंदे असीं तैनूं कह दित्ता, पुकार ला दित्ती, अग्गों तूं यतन करना कि नहीं करना इह तेरी मर्जी है। ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल, ज्यों मच्छी नूं अचानक जाल आण के पैंदा, इउं काल तैनूं वी अचानक ही पवेगा। अचिंते बाज पए, अचिंते दा अर्थ साध संगत जी जिहड़े चेतन विच नहीं सन, चेते च नहीं सन, जिहदा पता नहीं सी कदों पवेगा, उहनूं कहिंदे अचिंते। फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हां जिहनूं अचिंते बाज पए, अचिंते दा अर्थ है वी पता नहीं सी कदों पैणगे, इकदम आण के पै गए, कुछ नहीं कर सकिया, जानकारी नहीं सी उहदे पैण दी, पर पै गए। कहिंदे इउं तैनूं वी काल अचिंती आण के पवेगा, जिवें मच्छी नूं जाल आण के अचिंत पैंदा है। विश्राम दे के कृपा करदे हन धन गुरु नानक देव महाराज जी। सब जग बांधो काल को, बिन गुर काल अफार, सारा संसार ही साध संगत जी काल ने असल विच बन्निया होया। बिन गुर काल, कहिंदे बिना गुरु तों
काल जिहड़ा सतसंग जी अटल है, गुरु साहब चाहुण ते काल नूं टाल सकदे आ, फिर मुड़ के कदी काल नहीं सतसंग जी जितेगा जे गुरु की कृपा हो जाए ते। बाबा फरीद जी ने आख्या ना, मैं ना मरो मरबो संसारा। क्यों आख्या इदा? मरता जाना फिर भी, फरीद साहब जी ने भी शरीर करके, कबीर साहब जी ने भी चले तो जाना ही है, पर कहते नहीं गुरमुखो मैं नहीं मरना। इस करके भाई निज स्वरूप की पछाण हो गई, हुण कहिंदे मैनू मौत नहीं आउणी, बाकी संसार नूं आवेगी, क्योंकि संसार उस रस्ते ते तुरिया नहीं जिस रस्ते का सतसंग जी कबीर साहब जी ने हुण भाल करके, जिस रस्ते की खोज करके कबीर साहब जी ने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली, उस रस्ते ते तुरन करके फिर काल जित नहीं सकता। उवें काल ने सतसंग जी किसी नूं माफ नहीं करना, क्योंकि काल जिहड़ा इह जो जिहड़ी चीज बनी काल विच आ उहने टठणा वी काल विच। काल कह लो तुसीं समां, समा ही सिर ते साध संगत जी पल पल करके आउंदा जांदा, स्वास पिछे नूं तुरे जांदे, ते अखीर ही स्वास वाला समा आवेगा, उस स्वास तों बाद नहीं फिर साध संगत जी स्वास अंदर अंदर जाएगा, बाहर निकली हुई है स्वासां दी पाउण मुड़ के अंदर ना जाएगी जदों वह आखिरी स्वास का समा आ गया। जिहड़ी चीज समय ने बनाई साध संगत जी, उहनूं समय ने मारना, जिहड़ा समय च पैदा होया मरेगा भी समय के अंदर ही, पर परमात्मा गुरु साहब गुरु की कला उहदी मेहर उहदी बख्शिश जिहड़ी साध संगत जी, वह समय च नहीं आउंदी, उहदी कोई मित मिणती नहीं। हर बंदे दे स्वासां दी मिणती ते गिणती आ, इहदे चलण वाले कदमां दी गिणती आ, इहदे बैठण दी ते शकड़ छकाउण दी सारियां ग्रहियां दी गिणती आ, पर परमात्मा दी कृपा दी साध संगत जी ना कोई गिणती आ ना कोई मिणती आ। भाई वीर सिंह जी ने बहुत सोहणी एक गल लिखी है कविता, उन्होंने वह कहिंदे ने तूं पापी कह के पंडित जिंद सुकाई, कहिंदे उह पंडता कानू मारी जांदा जीवदियां नूं, जिन्नी देर हैगे स्वास पहला तां ना डराई जा, भाई तू पापी आ तेरा रहना कुछ नहीं, तेनू ते माफ ही नहीं किसी ने करना, तू इन्ना पापी तू मानमुख, कहिंदे तू सानू पापी पापी कह के जीवदियां नूं मार दिता पहला ही, तू पापी कह के पंडित जिंद सुकाई। कहिंदे ने बख्शण वाला है अमिता असी मित विच भाई, कहिंदे उह जिहड़ा बख्शा करन वाला ना उह गिणती मिणती तों बाहर आ, उहदी बख्शिश मिणती च नहीं आउंदी, असी मित च आ। जिहड़ा बंदा आप मित च आ, जिसदे स्वाद स्वास मिणती च आ, मित दा अर्थ आ मिणती, जिस बंदे दे स्वासां दी मिणती आ, उहदे चलण फिरन दी मिणती आ, उहदे खाण पीण दी मिणती आ, इहदा अर्थ आ फिर उहदे पापां दी वी सतसंग जी कोई गिणती मिणती आ, उहदे पाप भी अणगिणत नहीं हो सकते। जे उहदे स्वास गिणती च ने, उहदे जन्म का समा गिणती च आ, उहदी उम्र गिणती च आ, उहदा उठना बैठना गिणती च आ, ते फिर गिणती दे स्वासां विच कीते पाप भी गिणती च ने, भावे किन्ने ही कीते आ, अखीर उहनां दा कोई अंत आ, कोई उहनां दी गिणती आ, पर परमात्मा दी साध संगत जी कृपा दी कोई ना मिणती आ ना गिणती। कहिंदे बख्शिश लई जदों अमिते दी तेरे कर्म उड़ाऊ, वह कृपा जदों होगी ना, कृपा गिणमित के नहीं साध संगत जी परमात्मा करता। कहिंदे असी पाप जिहड़े कीते आ इह फिर भी गिणती च आउणगे, किन्ने क कीते आ, सैकड़ियां च हजारां च लखां च करोड़ां च, पर फिर भी कोई गिणती, पर उहदी मेहर दी कोई गिणती नहीं ना कोई उहदी मिणती आ। जदों उहने मेहर कीती गिणती मिणती तों परे ही करनी है, इस करके गिणती वाले पाप अणगिणत जिहड़ी कृपा आउणी उहदे नाल मिटणे ही मिटणे आ। जे ते पापां दी गिणती है ते कृपा की भी गिणती हो साध संगत जी, फिर तो हो सकता भी उसकी कृपा घट हो, पाप वध जाण ते ना गल बने, पर कहिंदे साडे पापां की गिणती मिणती आ, उसकी रहमत की कोई गिणती मिणती नहीं, उन्हें जो वह झोली च पाई तो मिणती तो गिणती तो परे ही पाउनी आ। इस करके कहिंदे आ वी सानू पापी पापी कह के डरा ना, तू उहदी सानू वडियाई करके दस भी वह बड़ा वड्डा वह मिणती तो रहत है। जदों उन्हें कृपा कर दी फिर सब गिणती मिणती के पाप उस वेले कटे जाएंगे। घोर दुखियां ननक हत्यंग जन्म दरिद्रंग महाबद्या बख्यादंग मटे मिटंत सगल, गिणती मिणती दी है ना सारे मिट जाएंगे। घोर दुखियंग अनक हत्यंग, कई कतल किते हो, दुखी किया हो, कहिंदे मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक, परमात्मा का नाम स्मरण करके जदों फिर वह नामी की कृपा हुई सारे मिट जाएंगे। फिर यह नहीं भी कुछ मिट गए कुछ रह गए, कहिंदे उहदी कृपा जदों होनी है फिर गिणती मिणती दी नहीं होनी, पर उहदी कृपा नाम जपिया होनी उवें नहीं। मटंत सगल समरंत हर नाम नानक, हरी दा नाम सिमरिया कृपा होवेगी, ते कृपा जदों होनी साध संगत जी फिर उहने सारे पाप सारे दुख सारे दलिद्र उस वेले कट देने। फिर
ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰਕ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਗ ਵਾਧੋ ਕਾਲ ਹੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਅਫਾਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਟਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਅਫਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਜ ਰਤੇ ਤੇ ਉਭਰੇ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਉਭਰੇ ਹੁੰਦਾ ਬਚਣੇ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੱਚਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਚਾਨੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆਂ ਜਾਲੀ ਬਦਕ ਹਾਥ ਸੀ ਚਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਜ ਸੀ ਚਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸੀ ਚਾਨੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲੀ ਬਦਕ ਹਾਥ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਬਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਬਾਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਫਸਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤਪ ਬੰਦਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਲੀ ਬਦਕ ਹਾਥ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਲ ਤੇ ਪੰਛੀ ਫਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਹੋਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਥ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਹੋਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਥ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਚੋਗੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੋਗ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਚੁਣ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨੀ ਜਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਚੁਣ ਸੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਆਖੀਐ ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਸੱਸ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨ ਮਨ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਮੁਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਮੁਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਨ ਪਾਠ ਅਲੱਗ ਤੇ ਮੁਖ ਪਾਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖ
ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੂਠਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੂਠਾ ਨਾ ਭਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਚੂੜੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੂਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖਿਆ। ਉਵੇਂ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜੂਠਾ, ਜੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੂਠਾ, ਦੇਹੀ ਧੋਏ ਨਾ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜੂਠੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਜੂਠਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਮਨ ਮੁੱਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ 'ਚ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਚਮਤਾ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜੜ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਮਾਦ ਦਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇ, ਸੂਰ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਮਿੱਟੀ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ 101 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ 101 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੂਠ ਉਤਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਸੂਰ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾ ਮਣ ਤੋਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਿਉਂ ਲੱਗਾ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣ। 101 ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ 101 ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ 101 ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਖੀਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ 101 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੋਤੀ ਆਦਿਕ ਬੰਨ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੂਲਾ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਅੜੇ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਜੂਠਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਮੁੱਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦ ਫੁਰਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੰਦ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਾਜਨ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਜਨ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣਤਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਾਜਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਮ ਦੂਤ ਮੂਏ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤੇ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਜਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਮ ਦੂਤ ਮੂਏ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਪਰ ਗਧੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗਧੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦਵਾਈ ਆਖੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮੌਤ।
बंदे की जिंदगी पर बीमारी की मौत। उही नाम जमदूतां वास्ते मौत है, जपण वाले लिए अमृत है। जमदूत मूहे बिख खाए नाम जपया, कहिंदे ने जमदूत जिहड़े सी उन्हां लई इन्ने जहर दा काम कीता, जमदूत फिर चले गए मर गए, वह तेरे नेड़े नहीं आ सकते हन। नावै अंदर हौ वसा नौ वसै मन आए, कहिंदे नाम दे विच हुण मैं वसदा ते नाम मेरे मन च वसदा, इउं नाम नाल मैं अभेद हाँ। इत्थे सतसंग जी पंज पौड़ियां की समाप्ति हुई, अगे जिवें महाराज कृपा करनगे आपां कल शामां दे दीवाना विच विचार करांगे भई इह नाम जमदूत वास्ते सतसंग दी मौत किवें है। सतगुरु जी रहमत करन, तुहाडी मेरी सतसंग जी इत्थे भरी हुई हाजरी सतगुरु जी लेखे विच लाउण, अपने चरणों की प्रीति बख्शन। सरदास बेनती समाप्ति देखा कत ने छूटी आ खन खन भूलन हार, बख्शन हार बख्शदा नानक पार उतार। प्रेम नाल फतेह दा जवाब दिओ। बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।